आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा नेक्सोन के बिल्कुल बेस वेरिएंट के बारे में। ये आपको 7,60,000 रुपये के एक्सोरूम प्राइस पर आपको ये कार मिल जाती है। ये नहीं है कि ये कार का बेस वेरिएंट है तो आपको इंडिकेटर इस कार के फेंटर पर मिल जाएगा, LED DRS नहीं मिलेगी। इसके बेस वेरिएंट पर आपको काफी बढ़िया फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे आपको इसमें LED DRS मिल जाएगी, LED टेल लाइट मिल जाएगी, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे और इंडिकेटर आपको इस कार के वॉल बम पर ही देखने के लिए मिल जाता है। और क्या क्या फीचर आपको इस कार के बेस वेरिएंट पर मिल जाते हैं वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रंट प्रोफाइल से देखने में आपको नहीं लगेगा कि ये इस कार का बिल्कुल बेस वेरिएंट है। और इसकी ग्रिल में आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी, जैसे कि आपको टॉप वेरिएंट में मिलती है। क्रोम मिल जाएगा आपको एक हेडलाइट से दूसरी हेडलाइट तक, जिस वजह से इस कार की फ्रंट प्रोफाइल देखने में काफी बढ़िया लगती है। जैसे ही आप इस कार की साइड प्रोफाइल में आएंगे, आपको इसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे विदाउट व्हील कवर। व्हील कवर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे इसमें। फिर आपको लगेगा ये इस कार का बिल्कुल बेस वेरिएंट है, लेकिन आप इस कार को आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। बेस वेरिएंट पर आपको इंडिकेटर फेंटर पर मिलता है, जिस वजह से आप पहचान सकते हैं ये इस कार का बिल्कुल बेस वेरिएंट है। लेकिन इस बेस वेरिएंट में आपको इंडिकेटर इस कार की वॉल बम पर ही देखने के लिए मिलेगा। और इंटीरियर भी देखिए इस कार का आपको कितना प्रीमियम मिलेगा, डुअल कलर में मिल जाएगा आपको इस कार का इंटीरियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कार की की से। तो कुछ इस तरह की आपको इसमें की मिल जाएगी। रिमोट सेंटर लॉकिंग तो आपको इसमें नहीं मिलेगी, बेसिक सी की मिलेगी आपको इसमें, जिस पर आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा। और ये रही इस कार की फ्रंट प्रोफाइल। हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे आपको इस कार में और LED DRS मिल जाएगी। और ये रही इस कार की ग्रिल, पियानो ब्लैक फिनिश, टाटा का लोगो, एक हेडलाइट से लेकर दूसरी हेडलाइट तक क्रोम स्टिक गई है। और बेस वेरिएंट पर आपको कोई भी फॉग लैंप देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन आपको इंडिकेटर मिल जाएगा हेलोजन में, पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। और ये रही इस कार की ग्रिल, टायर और डिजाइन मिल जाएगा आपको इसमें। तो ओवरऑल कुछ इस तरह की लगती है इस कार की फ्रंट प्रोफाइल। और ये रही इस कार की साइड प्रोफाइल, और यहाँ पर आपको छोटे साइज की क्लैडिंग मिल जाएगी। 16 इंच का आपको इसमें स्टील व्हील्स मिल जाते हैं विदाउट व्हील कवर, इसमें व्हील कवर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इंडिकेटर वॉल बम्पर मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको व्हाइट कलर की स्ट्रिप मिलने वाली है। डोर हैंडल हो गया ब्लैक कलर का, ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर आपको इसमें ब्लैक कलर का देखने के लिए मिल जाता है। और मैं आपको इस कार की साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ। और ये रही इस कार की साइड प्रोफाइल। तो चलिए बात करते हैं इस कार के बैक प्रोफाइल के बारे में। LED टेल लाइट ऑन होने के बाद कितनी बढ़िया लगती है बैक से देखने में। ऊपर की साइड आपको इंडिकेटर स्पॉइलर मिल जाएगा, हाइड मोड स्टॉप लैम्प, वोकल फोर लोकल का हो गया स्टीका, रेयर बाइफर डिकोवर वॉशर जैसे फीचर आपको इसमें नहीं मिलेंगे। इंडिकेटर में आपको बल्ब मिल जाएगा और बाइक स्ट्रिप पे मिल जाएगा आपको इसके टाटा का लोगो। नीचे की साइड है पियानो ब्लैक फिनिश, नेक्सोन की ब्रेसिंग, और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स और पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे और पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी, टायर और डिजाइन। तो चलिए फिर मैं आपको इस कार का बूट दिखा देता हूँ, कितना बूट स्पेस मिल जाता है आपको इसमें। कार को बूट को अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पर बटन दिया जाता है, अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो आपकी कार का बूट अनलॉक हो जाएगा। बैक में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कार के बूट को अनलॉक करने के लिए। तो इस कार में आपको 350 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है और पार्सल किट आपको इसमें नहीं मिलती, लगेज रैंप आपको इसमें नहीं मिलने वाला। और ये रहा इस कार का स्पेयर व्हील। तो 7,60,000 रुपीज इस कार का एक्सोरूम प्राइस है। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानना है इस कार का आपकी सिटी में क्या है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो इस कार में आपको 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाएगी। जैसे कि आपने देखा कुछ इतने फीचर मिल जाते हैं इसमें। बेस वेरिएंट में आपको LED DRS, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, इंडिकेटर, वॉल बम्पर मिल जाता है और काफी बढ़िया फीचर मिल जाते हैं आपको इसमें। तो चलिए बात करते हैं इस कार के इंटीरियर लुक के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटीरियर मिल जाएगा आपको इसमें। चाहे आप इसका स्टेरिंग व्हील देखें या इंटीरियर देखें तो आपको काफी बढ़िया मिल जाएगा। जैसे पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाती है। और ये रहा इस कार का डोर, डोर ओपन आपको ब्लैक कलर का मिल जाएगा और ग्रे फिनिश मिलने वाली है। फ्रंट डोर में तो आपको पावर विंडो मिल जाएगी, लेकिन रेयर डोर में आपको कोई भी पावर विंडो देखने के लिए नहीं मिलेगी। वाटर बॉटल के लिए स्पेस हो गया, डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस, और स्पीकर की हाउसिंग मिल जाएगी, और यहाँ पर ट्विटर की हाउसिंग। मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे इस कार के वॉल बम, स्टिप दी जाएगी आपको यहाँ पर। बाहर से देखने कुछ इस तरह के लगता है इस कार का इंटीरियर। ड्राइवर सीट हाई एडजस्टमेंट का फीचर आपको इसमें नहीं मिलता, सिर्फ रिक्लाइन करने का मिल जाएगा। और ये रहा इस कार का बैक डोर, डोर ओपनर ब्लैक कलर का, ग्रे फिनिश, ट्विटर की हाउसिंग, मैनुअली विंडो करनी पड़ेगी आपको, स्पीकर की होगी हाउसिंग, वाटर बॉटल के लिए स्पेस, डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा। और ये रहा इस कार का इंटीरियर, जैसा कि आप देख सकते हैं काफी बढ़िया लगता है इस कार का इंटीरियर। और ये रहा इस कार का स्टीयरिंग व्हील, पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी आपको इसमें, टाटा का लोगो, ग्रे फिनिश हो गई। और ये रहा इस कार का इंस्ट्रूमेंट कलेक्टर, RPM मीटर मिल जाएगा आपको यहाँ पर, बीच में हो गया स्पीडोमीटर, टेम्परेचर के लिए यहाँ पर हो गया और फ्यूल के लिए। और इसमें आपको कुछ अलर्ट्स लाइट मिल जाएगी और इसकी MID में आपको टाइम क्या है, टेम्परेचर क्या हो रहा है और फ्यूल।
वो क्या एवरेज दे रही है आपकी, क्या सब पता चलता रहेगा। और यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी मोड चेंज करने के लिए। ये रहा इसका अगर ड्राइवर साइट एसी बैंक साइट में आपको ग्रे फिनिश मिल जाएगी और यहाँ से आपको इंटरनली एडजस्ट कर सकते हैं इजीली ओआरबीएम। और ये रहा इसका अगर सनवाइजर ब्राइट मिरर आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाएगा। सनग्लास रखने के लिए स्पेस केबिन लैंप हो गया एलईडी में। और ये रहा इसका अगर आईआरबीएम मैनुअली डे नाइट एडजस्टमेंट भी नहीं मिलेगा आपको इसमें। और ये रहा इसका अगर को ड्राइवर साइड का सनवाइजर ब्राइट मिरर मिल जाएगा आपको इसमें, ग्रैब हैंडल और कुछ इस तरह का मिल जाएगा आपको इसमें। सेंटर कंसोल एफएल कैमरा सिस्टम आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ उसकी हाउसिंग मिल जाएगी। दो एसी वेंट्स, 20,000 लाइट का बटन, पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है यहाँ पर, मैनुअल एसी हो गई और कंट्रोल उसके आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको साइड में पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। कार को बूट का अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था बैक में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है कार को बूट को अनलॉक करने के लिए, आपको यहाँ से ही करना पड़ेगा कार के बूट को अनलॉक। और कुछ इस तरह का गेयर नॉब मिल जाता है आपको इस कार में। 6 गे मैनुअल ट्रांसमीटर में रहने वाली है कार। और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाएगा, थोड़ा सा स्पेस है। साइड में हो गई पियानो ब्लैक फिनिश, यहाँ पर ग्रे फिनिश। और इसमें आपको 3 ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे, कप होल्डर्स होगा यहाँ पर ही मिल जाएगा आपको थोड़ा सा स्पेस, हैंड ब्रेक। तो चलिए मैं इस कार का आपको ग्लव बॉक्स दिखा देता हूँ कितना स्पेस मिल जाएगा। कार के ग्लव बॉक्स को खोलने के लिए आपको यहाँ पर बटन दिया जाता है, कुछ इतने साइज का आपको इसमें ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। और ये रहा इसका अगर कोट ड्राइवर साइड का डोर, ग्रे फिनिश हो गई यहाँ पर। पावर विंडो, वाटर बॉटल के लिए स्पेस, डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस, टूटा की हाउसिंग और एक स्पीकर की हाउसिंग मिल जाएगी आपको इसमें। और ये रहा इसका आगे फ्रंट सीट, फ्रंट सीट में आपको एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाते हैं और कुछ इस तरह का डिजाइन मिल जाएगा आपको इसमें। तो ओवरऑल कुछ इस तरह का लगता है इसका आगे फ्रंट सीट पर बैठे। तो चलिए लेकर चलता हूँ इसका आगे रेयर सीट पर, आपको फिर आपको वहां से कैसा लगता है इसका अगर डैशबोर्ड देखने में। और फिर आपको इसमें कुछ इतना लेग रूम मिल जाता है यहाँ पर। और रेयर सीट पर बैठकर कुछ इस तरह का लगता है इसका अगर डैशबोर्ड। तो इसमें आपको रेयर एसी बेंच नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। वो पूरी फ्लैट सरफेस तो नहीं रहने वाली, सिर्फ पंच की तरह आपको इसमें थोड़ा सा इसका बम्प मिल जाएगा। और ये रहा इसका अगर बैक डोर, मैनुअली विंडो करनी पड़ेगी सिर्फ आपको इसमें। तो ओवरऑल कुछ इस तरह का था इसका अगर रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।